कानपुर में बड़ी घटना। दो साधुओं की पुलिस चौकी के पास लाश मिली, एक महिला और पुरुष साधु की लाश है। कानपुर के परमट चौराहे के पास चौकी के सामने गाड़ी बैक करते समय साधु पति पत्नी की मौत। सूचना पर पहुंची ग्वाल टोली पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लग्जरी कार से आए भक्त की गाड़ी से हुई घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली। वहीं पुलिस कार के नंबर से पहचान करने में जुटी। मृतक साधु मंदिर में ही मांग कर वहीं रहकर अपना जीवन यापन करते थे। मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। थाना ग्वाल टोली के अंतर्गत परमट चौकी क्षेत्र में आज एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव सुबह मिला है। एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात वाहन के टायर चढ़ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इनके विषय में छानबीन की गई तो ये इनका नाम निर्भयानंद और इनकी पत्नी का नाम शांति देवी है। ये गांव बांधगांव थाना समिति के रहने वाले हैं। इस संबंध में ये और पता करने पता चला कि ये भिक्षा मांग करके रात्रि में आकर के यहीं पर सो जाते थे सड़क पर, और इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जा रही है और अज्ञात वाहन चालक और वाहन का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इनको पता करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।